दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि साउथ कोरिया जो एम्बेसी है, साउथ कोरिया एम्बेसी कब ओपन होने वाला है, या साउथ कोरिया जो VFS है वो इंडिया में कब ओपन होगा। और बात करेंगे दोस्तों अभी क्या कौन कौन सा कैटेगरी का वीज़ा साउथ कोरिया का ओपन है, मतलब अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो कौन कौन से कैटेगरी का वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो नया व्यूअर्स है मेरे चैनल में, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन उसको दबा दीजिए ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो में। पहले मैं आप लोगों को बताऊँगा कि जो साउथ कोरिया VFS में अभी आप कौन कौन सा कैटेगरी का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। साउथ कोरिया एम्बेसी अभी कौन कौन सा कैटेगरी का वीज़ा एक्सेप्ट कर रही है, ये इन्फॉर्मेशन मैं पहले आप लोगों को दूंगा। उसके बाद मैं बात करूंगा कि साउथ कोरिया जो VFS है वो टूरिस्ट वीज़ा के लिए कब तक ओपन हो जाएगा या कब तक ओपन होने वाला है। पहली बात यह है दोस्तों, अभी साउथ कोरिया एम्बेसी जो ओपन है सिर्फ उन लोगों के लिए जो लॉन्ग टर्म जो वीज़ा है वो अप्लाई कर रहे हैं। जो लोग लॉन्ग टर्म वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं साउथ कोरिया एम्बेसी या साउथ कोरिया VFS अभी उन लोगों के लिए ओपन है। लॉन्ग टर्म में क्या क्या आते हैं दोस्तों, लॉन्ग टर्म कैटेगरी में आपका कोई स्टडी वीज़ा, अगर आप स्टडी वीज़ा के लिए जाना चाहते हो तो वो लॉन्ग टर्म कैटेगरी के अंदर आते हैं दोस्तों। और जो लॉन्ग टर्म आते हैं वो है आपका वर्क परमिट। अगर आपके पास आपका क्वालिफिकेशन अच्छा है, ठीक है, आप कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या आप कोई शेफ वगैरह हो या आप डॉक्टर हो या आप साइंटिस्ट हो तो आपको साउथ कोरिया का वर्क परमिट मिलता है। तो इस कैटेगरी के लिए अभी साउथ कोरिया का जो एम्बेसी है या VFS है वो ओपन है, ये लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों। और एक ओपन है वो है सीमैन वीज़ा। अगर आप सीमैन में जॉब करते हो या आपका जो शिप है वो अभी साउथ कोरिया में है तो आपको साउथ कोरिया जाना ज़रूरी है, इसलिए आपको साउथ कोरिया का वीज़ा भी चाहिए। वो सीमैन वीज़ा कैटेगरी के लिए भी साउथ कोरिया भी ओपन है, बाकी कोई भी कैटेगरी का वीज़ा अभी ओपन नहीं है। मार्केट में बहुत सारा ऐसा चीज़ सुनाई दे रहा है कि साउथ कोरिया का जो बिज़नेस वीज़ा है वो चालू हो गया है, वो बिल्कुल ही नहीं है। साउथ कोरिया का कोई भी बिज़नेस वीज़ा अभी तक चालू नहीं हुआ है, क्योंकि साउथ कोरिया का जो बिज़नेस वीज़ा है वो आते हैं शॉर्ट टर्म वीज़ा कैटेगरी के अंदर। शॉर्ट टर्म वीज़ा कैटेगरी का हर एक जो ऑप्शन है वो सारा क्लोज करके रखा है साउथ कोरियन एम्बेसी ने, इसलिए अगर आप साउथ कोरिया का जो शॉर्ट टर्म कैटेगरी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो तो आपको और कुछ ही दिन वेट करना पड़ेगा। दोस्तों अभी आ जाता है कि जो शॉर्ट टर्म कैटेगरी या साउथ कोरिया का जो टूरिस्ट वीज़ा वो कब तक ओपन होने वाला है। 15 दिसंबर तक ये जो हमारा इंटरनेशनल फ्लाइट है, जो कमर्शियल फ्लाइट है, ये ओपन होने वाला था। 15 दिसंबर तक ये कमर्शियल फ्लाइट सारा फ्लाइट ओपन होने हो रहा था, लेकिन ओमिक्रॉन ये जो कोरोना के वजह से ओमिक्रॉन जो वेरियंट है इसके वजह से ये सारा फ्लाइट दोबारा बंद कर दिया गया है। अभी कोई फ्लाइट चालू नहीं है, जो सिर्फ एयर बबल के थ्रू फ्लाइट चल रही है, दोनों कंट्री के बीच में जो एयर बबल एग्रीमेंट हुआ है उसी के थ्रू जो फ्लाइट वगैरह है वही फ्लाइट अभी चालू है। बाकी जो सारा कमर्शियल फ्लाइट है वो सारे के सारे बंद है। लेकिन दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि अगले 1 महीने या 2 महीने के अंदर फिर से जो कमर्शियल फ्लाइट है इंडिया का, इंडिया से जो हर एक कंट्री जाने वाला जो फ्लाइट है, जो शेड्यूल फ्लाइट है, वो सारा फ्लाइट ओपन हो जाएगा। अगर ओमिक्रॉन वायरस का, मतलब कोरोना वायरस का जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, उसका अगर असर इतना ज़्यादा बुरा असर अगर नहीं होगा इंडिया में या किसी दूसरा कंट्री में मुल्क में, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो हमारा इंटरनेशनल फ्लाइट है वो बहुत ही जल्द चालू हो जाएगा। अगर वो चालू हो जाता है तो साउथ कोरिया भी वीज़ा ओपन करके देगा, क्योंकि हम बहुत बार फ़ोन कर चुके हैं साउथ कोरिया एम्बेसी में, VFS में, उन्होंने एक ही शब्द बार बार बोला है कि इंडियन गवर्नमेंट, जब साउथ कोरिया का जो इंडियन गवर्नमेंट अगर सारा फ्लाइट ओपन करके देते हैं, जो शेड्यूल फ्लाइट है अगर वो फ्लाइट ओपन हो जाता है तो जो वीज़ा है वो वीज़ा कैटेगरी, सारे वीज़ा कैटेगरी पे ओपन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि अगले जनवरी फरवरी के अंदर जो फ्लाइट है वो फ्लाइट ओपन हो जाएगा, मतलब शेड्यूल फ्लाइट ओपन हो जाएगा, और फरवरी मार्च के अंदर हमारा जो साउथ कोरिया का टूरिस्ट वीज़ा है वो भी ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों तब तक आप लोगों को धैर्य धरना होगा, पेशेंस रखना होगा, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये किसी का प्रॉब्लम नहीं है, ये ना तो आपका प्रॉब्लम है, ना ये मेरा प्रॉब्लम है, ना ये किसी दूसरा कंट्री का प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सबके लिए है। इसलिए आप लोगों को पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस रखो, शायद अगले 1-2-3 महीने के अंदर जो साउथ कोरिया का टूरिस्ट वीज़ा है वो चालू हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता था वो सारा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे दिया है, और
दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा, और दोनों ही केस में मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।